अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के माबेन थर्ड टेस्ट मैच का थर्ड डे अपने अख्ताम को पहुंचा एंड लास्ट ही के कुछ मिनट्स में पाकिस्तान ने तारीखी कोलैप्स किया है। वही बात है कि दूसरी टीम्स कोलैप्स करती है तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए, जबकि पाकिस्तान तो एक्चुअल बानी है इस तरह के कोलैप्स का। बट स्टिल पाकिस्तान थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है जब कोई दूसरी टीम उनसे अच्छा कोलैप्स कर ले। तो सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड। एंड खैर, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने लीड के साथ है कि अपनी इनिंग स्टार्ट की इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट ओनली इन दिस टूर बट इससे पहले भी। खैर, एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में लीड के साथ है कि अपनी इनिंग का स्टार्ट किया लिया था। बट वही बात है कि इस तरह की सिचुएशंस एज अ पाकिस्तानी हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे बैटर्स से नहीं डाइजेस्ट हुआ। अब्दुल शफीक अगेन है कि छः बॉलों का सामना करके डक पे ही आउट हो गए। देन हमारे साइम अयूब साहब या थोड़ा सा उन्होंने इंटेंट दिखाई इन ऑल 33 रन उन्होंने स्कोर किए फॉर पाकिस्तान। एंड शान मसूद साहब भी गोल्डन डक पे आउट हो गए हेजलवुड की बॉल पे। एंड वही बात है कि पूरे मैच में पूरे सीरीज़ में हर किसी की परफॉर्मेंसेज आई गई थी। मिच मार्श को हमने हीरो बना दिया, वार्नर को ऑब्वियसली बना दिया लास्ट सीरीज थी, इसके बाद पैट कमिंस को तो हमने पहले से ही बनाया हुआ है, और एक जोश हेजलवुड रह गए थे। तो हमने सोचा भाई लास्ट मैच है, लास्ट इनिंग है, चलो जोश हेजलवुड को भी हीरो बना ही देते हैं। तो हमने बना दिया। शान मसूद ने फर्स्ट अपनी बॉल पे ही उनको विकेट दी। देन लास्ट की जो है कि 3 विकेट मेडन ओवर उनसे करवा लिया हमने। तो ये पाकिस्तान टीम है और बहुत ही दर्दमंद कौम है हम। बहुत ही हमारा जो दिल है वो बहुत धड़कता है। उससे परफॉर्मेंस नहीं होती ना भाई जोश हेजलवुड से, तो ऐसा तो नहीं चल सकता था ना। अपनी परफॉर्मेंस हो ना हो, अपने रन हो ना हो, अपने विकेट्स हो ना हो, खुद से कैच लिए जाए या ना लिए जाए, दूसरों की मदद करने के लिए हम पाकिस्तानी हमेशा रेडी रहते हैं। सो ग्रेट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सीरियस एनालाइजेशन के भाई जो बैटिंग थी, बॉलिंग के हवाले से चलो बात कर लेते हैं। आमिर जमाल वॉज माइंड ब्लोइंग एंड मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग करी। एंड ऑल्सो खैर, पिच का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पिच थोड़ी सी है कि बैटिंग के लिए मुश्किल होती जा रही है, बट स्टिल इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि आप 68/7 कर दो। दे वो 64/2 एंड 7 रन के इजाफे से हमने अपनी 5 विकटें गवा दी हैं। एज ऑलवेज टिपिकल पाकिस्तान वे में हमने कोलैप्स किया है। सो मतलब है अब्दुल्ला शफीक, मैंने पहले भी कहा था कि भाई अंडर प्रेशर लग रहे हैं, वही फ़खर जमान के भाई के जब फॉर्म नहीं होती या जब परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होता तो खोए खोए से रहते हैं। भाई थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। इमाम को रेस्ट करा दिए, तैन मोहतरम को रेस्ट करा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। एनीवेज चलो, कैच ड्रॉप की वजह से जो एक वो मेंटल ट्रामा में है, आई डोंट नो कब तक उससे निकलेंगे वो। और इसके बाद हमारे शान मसूद साहब भी है कि डक पे आउट हो गए। साइम अयूब वॉज लुकिंग गुड बट वो भी है कि कुछ जल्दी ही आउट हो गए। 33 रन ही वो जस्ट स्कोर कर सके, बट एक है कि चलो थोड़ा सा ये 33 रन से भी उनको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और बाबर आजम वंस अगेन वही है कि तमाम तवज्जो का मरकज, उम्मीदों का मरकज बाबर आजम थे, बट वो भी कुछ आई थिंक 26 रन पे ही आउट हो गए। एंड वही बात है कि भाई आप अच्छी बॉल पड़े कि ये हो वो हो, मतलब वही बात है कि आउट ऑफ लक चल रहे हैं भाई। अच्छे टच में नज़र आते हैं फिर जल्दी आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्या एक बुरा एक पैच है, बुरा एक वक्त है कि क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली भाई। बट पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म हो गई बट कोई अच्छी काबिले जिक्र परफॉर्मेंस नहीं आई। और खैर, इट डजेंट मीन कि उनकी क्लास में कुछ कमी वाकई हुई है या उनके कैलिबर में कोई कमी वाकई हुई है। नो, ही इज़ इंडीड अ वर्ल्ड क्लास बैटर। उनके शॉट्स आप देख सकते हैं एंड क्या क्लासी शॉट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। कल हर्षा भोगले ने भी यही बात की थी, और है कि नॉर्मली भी है हर कोई ये बात करता है कि भाई बहुत ही क्लासी शॉट्स होते हैं, पर थोड़ा सा अनलक्की चल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो है कि थोड़ा सा लक भी उनको फेवर करने लगेगा इंशाल्लाह, तो रन आएंगे। अभी चलो ऑस्ट्रेलिया टूर तो एंड हो गया, नहीं रन आया, 41 ही खैर उनका टॉप स्कोर रहा इस इनिंग में। बट वही बात है कि बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, और भी हमारे बैटर्स हैं जो इतना कुछ नहीं कह सके। सऊद शकील ने इतना कुछ नहीं किया थ्रू आउट द टूर। एंड है कि शान मसूद ने चलो एक आधी कुछ है कि 50 स्कोर की थी, 250 स्कोर किए हैं। रिजवान वॉज माइंड ब्लोइंग एंड आगा से अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई। बट इसके अलावा और भी है कि अब्दुल्ला ने जस्ट एक ही 50 करी है। 100 तो खैर किसी के भी बैट से हमें देखने को नहीं मिली है, जस्ट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के तरफ से भी किसी ने 100 स्कोर नहीं किया। जस्ट एक डेविड वार्नर को हमने कराई थी, बिकॉज लास्ट सीरीज थी ना भाई, होप यू कैन अंडरस्टैंड, लास्ट सीरीज थी उसकी, तो 3-4 कैचेस ड्रॉप करके 3-4
चांसेस ड्रॉप करके 100 तो करवानी थी ना, तो हमने पहले मैच में ही उसको खुश कर दिया था। इसके बाद है कि कोई 100 नहीं हुई है पूरी सीरीज में। इट शोज़ कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन थी, बट स्टिल क्या कहा जा सकता है, चलो खैर है। एनी वेज बॉलिंग में हमने ऑब्वियसली अच्छा किया था, मीर हमज़ा ने माइंड ब्लोइंग किया, और हमारे जो कैप्टनसी की भी खैर मैं बात करूँगी, जो स्टीव स्मिथ के लिए जो फील सेट की थी माइंड ब्लोइंग मैन। और ये एक अरसा दराज के बाद इस तरह की हमने कोई इंटेलिजेंस देखी है, तो अच्छा मूव है ऑब्वियसली। एंड शायान मसूद इज़ लिटरली इम्प्रेसिंग मी थ्रू हिज कैप्टनसी एंड थ्रू हिज प्लेयर की जो उनकी एज अ प्लेयर जो उनकी क्वालिटीज हैं उससे भी। खैर एज अ प्लेयर तो मैं उनको एडमायर करती ही थी, बट या एज कैप्टन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। ऑल्सो वी हैव लॉस्ट दिस सीरीज एंड ऑलमोस्ट हम वाइट वॉश के दहाने पे खड़े हुए हैं, बट स्टिल है कि कैप्टनसी है कि ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी बेहतर हुई है, नस्बता बेहतर हुई है, सो इसको अप्रिशिएट करना बनता है। एंड इसके बाद साइम अयूब साहब भाई अगैन उन्होंने कैच ड्रॉप किया है मिच मार्श का, कुछ 20 रन पे पता नहीं 12 रन पे कुछ 2 रन पे शायद कुछ कैच ड्रॉप किया है। एंड उन्होंने भी अच्छे खासे कुछ रन बना लिए, अगर वही भी रन कम होते तो हमारी इतनी बड़ी जो बुरी हालत हो गई है तो उससे ही हम थोड़ा सा रिकवर कर जाते, बट चलो खैर है। अभी भी खैर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान है कि इसमें सर्वाइव कर सकेगा, बट स्टिल अगर कुछ अच्छा कर लें, बिकॉज स्टिल रिजवान इज देयर, आमिर जमाल इज देयर, बट आई डोंट थिंक आमिर जमाल इस में करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आगे की अपनी 2-4 इनिंग की बारी एक साथ ही खेल ली थी फर्स्ट इनिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि इस इनिंग में वो कुछ कर सकेंगे। बट चलो रिजवान से आप उम्मीदें लगा सकते हो, बट वो अकेला भी कितना है कि चल सकेगा। 7 विकेटें तो हमने गंवा दी हैं। अब मजीद है कि फाइटिंग टोटल के लिए, डिफेंडिंग टोटल के लिए नहीं, फाइटिंग टोटल के लिए आपको स्टिल 120 रन दरकार ही। आप पता नहीं कुछ 80 की लीड पे, 82 की लीड पे पाकिस्तान, तो स्टिल पाकिस्तान को 100, 120 इस तरह से कुछ रन दरकार हैं, और जस्ट 3 विकेट पाकिस्तान के हाथ में हैं। ये जो बैटर जो आमिर जमाल हैं एंड मोहम्मद रिजवान हैं, ये लास्ट बैटर हैं, बल्कि आमिर जमाल भी एज एन ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं, तो इतने ज़्यादा रिकग्नाइज बैटर नहीं कहलाएंगे, बट स्टिल चलो ये लास्ट पैर है। इसके बाद आपके पास कोई नहीं है, आपके पास मीर हमज़ा हसन अली है। हसन अली ने तो एक अरसा दराज हो गया कुछ तरीके की बाली नहीं खेली, और तो वो भी खैर है कि काफ़ी डिसेंट बैटिंग कर लेते थे, बट आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम विद द बैट, बट है कि चलो खैर है, क्या ही किया जा सकता है। वही एक्सपेक्टेशन एज एक्सपेक्टेड हुआ, 3-0 होगा तो भाई हो गया 3-0। अगर कल कोई पाकिस्तान मिरेकुलसली कोई अच्छी इनिंग खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान साहब या आमिर जमाल कुछ कर लेते हैं, या मीर हमज़ा या हसन अली साहब, तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इसको जीतने जा रहा है। कल हम इसी खबर के साथ होंगे कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट और वाइट वॉश हो चुका है एज एक्सपेक्टेड, और जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि भाई एक आधा मैच हम जीत जाएंगे, तो वो नहीं हुआ। एंड वही बात जो खट्टा करें, चलो इस हवाले से फिर नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके हवाले से भी बहुत सी खबरें हैं, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें इसी हवाले से बात कर लेते हैं, बट है कि अच्छी है कि इंटेंट नज़र आई है, ओवरऑल है कि अच्छे पॉजिटिव साइंस भी बहुत सारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में जीतना इतना अच्छा, इतना ईजी नहीं होता है, कोई भी टीम नहीं जीत सकी है। जस्ट इंडिया इज़ दी ओनली टीम इन रिसेंट आई थिंक 15-17 सालों से जिसने ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया डिफीट दिया, एंड वी ऑल नो दैट इंडिया इज सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, सो इट हैपन्स ऑब्वियसली। और हम तो खैर अपने घर में इतना ज़्यादा क्या मतलब, अपने घर में है कि इंग्लैंड से वाइट वॉश हो गए थे, एंड है कि ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए थे सीरीज, सो वही बात है। चलो हमारे हिसाब से तो काफ़ी कुछ हमने कुछ बेहतर ही परफॉर्म कर दिया, बट स्टिल है कि अभी भी दिल खुश फहम को तुझसे उम्मीदें हैं बहुत, तो शायद कुछ हो जाए, वही बात है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो लेट्स होप कि कुछ पाकिस्तान कर ले, अगर तो आई थिंक 200 जो कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक नामुमकिन ही है अभी तो, बट स्टिल अगर 200 हो गया तो यहाँ पे वो डिफेंडिंग टोटल होगा, बट अगर 150 भी हो गया तो भी फाइट अच्छी हो जाएगी, वो ये कि कुछ थोड़ा बहुत लड़ लेंगे, थोड़ा सा वो ही हो जाएगा कि चलो मैच नहीं है, एटलीस्ट दिल जीत लिया एंड ऑल। और वही बात है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।